नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की चहलकदमी शुरू हो गई है। पहली नवरात्र को उल्का मंदिर, चंडिका मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों ने मैया के दर्शन किए तथा मनौती मांगी। इधर नुमाइश मैदान में भी देवी पूजा व दुर्गा पूजा महोत्सव सूक्ष्म तरीके से आयोजन किया गया। आयोजन से पूर्व महिलाओं ने नगर में ढोल नगाड़ों के साथ नगर में कलश यात्रा भी निकाली। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल ने दुर्गा पूजा महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं व बधाई दी। देवी पूजा महोत्सव भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू किया गया। आयोजकों ने बताया कि कोरोना महामारी में परंपरा को जीवित रखने के लिए सूक्ष्म आयोजन किया जा रहा है, साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। जी, जो सरकार द्वारा जो नियम जारी किए गए उन नियमों के तहत हम इस वर्ष इस पूजा का आयोजन एक सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं और ये पूजा पूरे अपने 10 दिन तक चलेगी। इस बार चूंकि एक नॉर्थ गला हुआ है तो 9वें दिन इसका ब्रह्म का कपाली के समय इसका विसर्जन किया जाएगा और जो भी सरकारी जो दिशा निर्देश आए हैं उन नियमों के तहत चूंकि पब्लिक के लिए इस बार अलाउड कम है तो उसी हिसाब से हम अगर पब्लिक को भेजेंगे भी तो कमेटी की व्यवस्था के तहत दो दो चार चार करके दर्शन के लिए दिया जाएगा और जो भी सरकारी नियम के तहत इस पूजा को करवाना हमको निर्देश हुए हैं उन निर्देशों के पालन करते हुए इस वर्ष इस पूजा का आयोजन कर रहे हैं। जी, सुबह 8 बजे यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम होता है जो लगभग प्रतिदिन चलता है और 2 घंटे सुबह पूजा होगी। उसके बाद सायंकालीन फिर यहाँ पर गंगा जी की आरती और उसके बाद मैया जी की आरती का कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ पर होता है हर वर्ष, इस वर्ष भी। प्रतिपदा से ये आश्विन नवरात्र जो है आज से यहाँ प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष हमारा नव दुर्गा कार्यक्रम था, कोरोना के कारण जो है इसे हम भव्य रूप में आयोजित नहीं कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए, उसको समझते हुए, हम सारे नियमों का पालन करते हुए इसको आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये सोच रहे हैं कि जितना कम से कम ये आयोजन हो सके हमारे द्वारा ताकि किसी प्रकार की समाज में या जो आजकल इसका महामारी का फैलाव हो रहा है वह न होने पाए, इसको देखते हुए हम संक्षिप्त रूप में इसको आयोजित करेंगे। लेकिन प्रतिदिन 2-4 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन अवश्य किया जाएगा क्योंकि इस परंपरा को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लगातार 9वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था तो नव दुर्गा का कार्यक्रम था। सरयू आरती महाअष्टमी के दिन हम सांकेतिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर आयोजित करेंगे, भव्यता न देते हुए उसको प्रतीकात्मक रूप में ही देंगे और उसी प्रकार से विजयादशमी पर्व के दिन नगर भ्रमण न करते हुए हम ब्रह्म कपाली के पास सीधे अपने इन मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं CCNTV और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बागेश्वर में दुर्गा पूजा का एक अपना अलग महत्व है और यहाँ पर हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है जो बहुत भव्य रूप से किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को कुछ सीमित किया गया है और जैसा कि आज यहाँ पर अभी कलश यात्रा के बाद विधिवत इसका पूजा पाठ करके आज उद्घाटन हुआ है तो यहाँ पर जितने भी भक्तजन आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है तो उचित दूरी बनाते हुए सरकार की गाइडलाइनों के नियमों का पालन करते हुए सभी दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे और माँ दुर्गा से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना महामारी बीमारी को जल्दी ख़त्म करते हुए सबको स्वस्थ रखें और एक पुरानी दिनचर्या जो चलती थी वो दोबारा से जो है सभी लोगों को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को पुनः नवरात्र की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।